80 शब्द प्रति मिनट हिंदी डिक्टेशन डिक्टेशन स्टार्ट रेडी। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं राजभाषा समिति से प्रार्थना करूंगा कि वह अपनी अंतरिम रिपोर्ट सरकार को दे दे ताकि इस संबंध में जो ढील है वह दूर हो। आज संसार के लगभग 100 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। दूसरी ओर हमारे देश में हिंदी या क्षेत्रीय भाषा नहीं पढ़ाई जाती है। भारत सरकार की नीतियों के अनुसार भारतीय भाषा शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए, लेकिन कहीं भी भारतीय भाषा नहीं हो पाई है। हमें इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि वह शिक्षा का माध्यम बने। इस संबंध में 1-1 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने प्रत्येक राज्य सरकार को दिया है, जिससे हिंदी का अच्छा प्रचार हो सके और साथ ही अन्य भारतीय भाषाओं का भी विस्तार हो सके। लेकिन लगता यह है कि उसकी गति बिल्कुल धीमी हो गई है। इसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। हमें इस बात का पता लगाना चाहिए कि यदि गति नहीं आई तो क्यों नहीं आई और उस संबंध में क्या व्यवस्था की जानी चाहिए। पैराग्राफ चेंज। सभापति महोदय, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक भाषा हिंदी भी होनी चाहिए, यह मांग बराबर उठ रही है, किंतु होगी या नहीं और कब होगी यह दूर की बात है। अभी हमारे देश में तटस्थ राष्ट्रों का सम्मेलन हो रहा है। मैं समझता हूँ कि भारत की भूमि पर इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पहले कभी नहीं हुआ था। इसका श्रेय वर्तमान सरकार और हमारे प्रधानमंत्री को है, लेकिन मैंने यह सुना है कि वहाँ भी हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं होगा, केवल 4 भाषाओं की व्यवस्था की गई है। यदि यह सूचना गलत है तो बहुत अच्छी बात है। हिंदी की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। यदि ऐसी व्यवस्था नहीं हुई तो जो प्रतिनिधि बाहर से आ रहे हैं वे क्या सोचेंगे। जिस देश की
अपनी भाषा नहीं होगी उसकी क्या उन्नति हो सकती है। इसमें भारत के ही नहीं बल्कि बाहर के भी प्रतिनिधि आ रहे हैं, उनमें से बहुत से हिंदी जानते हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि हमारे पास सुविधा है और साधनों की भी कमी नहीं है, इसलिए मैं सरकार से कहता हूँ कि कम से कम तटस्थ राष्ट्रों के सम्मेलन में हिंदी की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं यह भी चाहता हूँ कि हिंदी के संबंध में जो कानून बने हुए हैं उनका पालन भी अवश्य होगा। स्टॉप।